मुंबई के एटॉप हिल इलाके में 3 मंजिला इमारत गिरी, कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका, 9 लोगों को बचाया गया, राहत और बचाव का काम जारी। भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में हुआ बड़ा हादसा, पीडियाट्रिक विभाग में लगी भीषण आग, हादसे में 4 बच्चों की मौत, 36 बच्चों को सुरक्षित निकाला गया, मृतक बच्चों के परिवारों को आर्थिक मदद का ऐलान। कश्मीर में फिर शुरू हुई टारगेट किलिंग, श्रीनगर में आतंकी ने कश्मीरी पंडित के स्टाफ को दुकान में घुसकर मारी गोली, अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। दिल्ली NCR में 3 दिन बाद वायु गुणवत्ता में आया मामूली सुधार, वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर से बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा, AQI पहुंचा 400 के नीचे। लोक आस्था की महापर्व छठ पर योगी सरकार का बड़ा ऐलान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर्व पर की सार्वजनिक अवकाश की घोषणा, जनभावनाओं का सम्मान करते हुए अवकाश घोषित करने का लिया गया निर्णय। चेन्नई में भारी बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त, बारिश का पानी घरों में घुसा, कई इलाकों में आई बाढ़, पूर्वोत्तर मानसून के कारण 9 से 11 नवंबर तक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना। विदेश यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर, भारत से ब्रिटेन जाने वालों को नहीं होना पड़ेगा आइसोलेट, 22 नवंबर को अप्रूवल लिस्ट में शामिल होगी कोवैक्सीन, भारत में दूसरी सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली कोरोना वैक्सीन है कोवैक्सीन। किसान नेताओं ने दिल्ली हरियाणा के कुंडली बॉर्डर पर बुलाई बैठक, आंदोलन को लेकर किया जा सकता है बड़ा फैसला, 3 कृषि कानूनों को रद्द करने और MSP की गारंटी के लिए आंदोलन कर रहे हैं किसान। चंद्रशेखर आजाद ने किया बड़ा ऐलान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आजाद समाज पार्टी, कहा एक भी प्रत्याशी नहीं होगा सवर्ण। ताज नगरी आगरा में प्रदूषण ने बिगाड़े हालात, एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा 480 के पार, प्रदूषण के खतरनाक स्तर के पहुंचने के बाद आगरा की आबोहवा हुई बेहद खराब। इसी के साथ इस वक्त की टॉप 10 खबरों में फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।